नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। उत्तर प्रदेश में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की सूची सभी जिलों में जारी कर दी गई है। आरक्षण की लिस्ट जारी होते ही सैकड़ों नेताओं के चुनाव लड़ने के अरमानों पर पानी फिर गया है, क्योंकि इस बार उनकी सीट आरक्षित हो गई है। तो वहीं आरक्षण लिस्ट जारी होने के बाद आपत्तियां दर्ज कराने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी क्रम में लखनऊ में 14 तो मेरठ में 21 आपत्तियां दर्ज हुई हैं। लखनऊ डीएम कार्यालय में 6 और बीकेटी ब्लॉक में 8 आपत्तियां दर्ज हुई हैं। इनमें प्रधान पद की 4 सीटों के लिए 8 आपत्तियां आई हैं, तो वहीं मेरठ में 18 आपत्तियां प्रधान पदों पर आरक्षण को लेकर हैं, जबकि 3 आपत्तियां जिला पंचायत सदस्य और 1 क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए है। वहीं अलग अलग गांवों से विकास भवन पहुंचे दावेदारों और आपत्तिकर्ताओं ने आरक्षण सूची को गलत बताया। उनका कहना था कि जहां पिछड़ा वर्ग नहीं है उसे भी पिछड़े वर्ग में आरक्षित कर दिया गया है। कुछ ने आरक्षण में बीजेपी की मिलीभगत का आरोप लगाया है। आपत्तियां लिखित में ली जा रही हैं। लखनऊ के मुख्य विकास अधिकारी ने बताया, यदि किसी को प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति है तो वो 4 से लेकर 8 मार्च तक आपत्ति दाखिल कर सकता है। बता दें कि आरक्षण पर आपत्तियां 8 मार्च तक दर्ज कराई जा सकती हैं। आपत्तियों को जांच के बाद अंतिम सूची का प्रकाशन 15 मार्च को किया जाएगा। प्रस्तावित आवंटन आरक्षण के विरुद्ध आपत्ति विकास खंड कार्यालय, जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय या फिर डीएम दफ्तर में प्रस्तुत की जा सकती हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।